दोस्तों एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर आपको बिलियनर बनना है तो आपको कुछ आदतों को अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन आदतों को मैं अपनी लाइफ में भी लेके आऊं ताकि मैं भी उनकी श्रेणी में चला जाऊं। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में ये 7 पॉइंट डिस्कस करूं जो सेल्फ मेड बिलियनर जो होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, वो अपनी जिंदगी में ये चीजें लाते हैं इसलिए वो करोड़पति है, और कोशिश करें कि हम भी इन अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में लेके आए। जब आप इस आदत को अपनी जिंदगी में लेके आओगे तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूं कि डेफिनेटली हमारी जो श्रेणी है वो भी क्या हो जाएगी, बिलियनर में शामिल हो जाएगी। तो सबसे पहली उनकी आदत है दे आर फ्रुगल, यानी ये जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं ना दोस्तों, जो अमीर इंसान होते हैं, वो अपनी जिंदगी बहुत ही सादगी में जीते हैं, यानी जितनी जरूरत होती है उतना इस्तेमाल करते हैं। कभी आप उनको देखना कि वो बुफे में खाना पसंद नहीं करते हैं, वो आला काटा से ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने सेल्फ मेड होके ये पैसा कमाया हुआ, यानी हमें कोई विरासत से पैसा नहीं मिला हुआ, इसलिए हम इसे उड़ाएंगे नहीं। और बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो अपने इन पैसों को उड़ाते हैं, कितना भी बड़ा खजाना क्यों ना दोस्तों, अगर आपने पैसा उड़ाना शुरू कर दिया तो एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इनकी सबसे पहली आदत है जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि जब आप कम इस्तेमाल करोगे तो आपके पास में पैसा ज्यादा बचेगा, और वो पैसा आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, वो पैसा आप अपनी सेविंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्या होता है, इंसान को पता है मालूम है, हम सोचते नहीं है, कोई 10 रुपए की चीज है 20 में मिल रही है तो हम उसको खरीद, जाने दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लोली स्लोली ये हमारी गंदी आदत बन जाती है, बैड हैबिट्स बन जाती है। इसलिए सबसे पहले जो वो लोग करते हैं कि जहां खर्चा नहीं होता वहां सीधा वो कटौती कर देते हैं, और जहां उनको लगता है कि यहां भी खर्चे की जरूरत है तो जितनी जरूरत होगी उतना ही वो क्या करते हैं दोस्तों, खर्च करते हैं। अगर आपने ये इनकी हैबिट लेके आ गए तो डेफिनेटली आप एक सीढ़ी चढ़ गए अपने बिलियनर की कदम के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है दोस्तों वो है दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको लर्निंग लेनी बहुत जरूरी है। अब वो लर्निंग आप कहां से भी ले सकते हो, आप अपने कोच से ले सकते हो, किताबों से ले सकते हो, पढ़ के ले सकते हो, कोई सेशन अटेंड कर सकते ले सकते हो, सेमिनार अटेंड करके ले सकते हो, कहीं से भी जहां से आपको लर्निंग मिलेगी वहां से आप सीखना शुरू करो। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस स्किल को क्या करते हैं, इंप्रोवाइज करते हैं। तो लर्निंग एक ऐसा मीडियम है दोस्तों जो आपको क्या करता है, अपने कॉम्पिटिटर के सामने खड़ा रहने के लिए काबिल बनाता है, और आप जो है लोगों के सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट होते हो, लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आपके पास में नॉलेज होता है, आप उनको कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनको आप सॉल्यूशन देते हो और वो आपको एज ए लीडर समझते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी कब आती है, जब बंदा एक स्किलफुल बंदा होगा, कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आता है तो वो उसको क्या कर देता है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उसके पास में इतना नॉलेज है, उसने इतनी किताबें पढ़ चुका है, उसने इतने प्रॉब्लम्स देख चुका है, उसने इतने चैलेंजेस देख चुका है कि उसकी लर्निंग, उसकी जो सीखने की वजह से वो क्या करता है, उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे से क्या करता है, ओवरकम करता है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि अमीर बनने का सबसे सिंपल सीक्रेट यही है जो मुझे बचपन में पता चला था कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे पढ़ना होगा, और मैंने पढ़ना शुरू किया, और आज भी मैं खुद को एक बहुत अच्छा स्टूडेंट समझता हूं। अगर कोई भी मुझे सिखाए तो मैं उसे सीखने के लिए तैयार रहता हूं, क्योंकि कहते हैं ना, सीखना बन तो बढ़ना बन। थर्ड जो उनकी बहुत अच्छी हैबिट है दोस्तों वो है एक्सरसाइज। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर हम इस कीमती चीज का, इस बॉडी का अगर हम सही तरीके से टेक केयर नहीं कर सकते तो हम जिंदगी में किसी चीज का टेक केयर नहीं कर सकते, ना अपने बिजनेस का टेक केयर कर सकते, ना किसी चीज का टेक केयर कर सकते। इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज कीजिए। अब एक्सरसाइज बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं पता है मालूम है, सीधा जाते हैं मार्केट में, 2-4 ट्रैक पैंट, 2-4 टी शर्ट, एक शूज लेते हैं और जाके 1 साल की जिम की मेंबरशिप भर देते हैं। पहला दिन जाते हैं 2 घंटा मस्त में एक्सरसाइज करते हैं, दूसरा दिन फिर बॉडी एक होती है, फिर पैसा भरा हुआ है तो मजबूरी से जाते हैं, तीसरा दिन जाते हैं, चौथा दिन जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद में वो बोलते हैं जाने दो बाबा ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा मत कीजिए, एक्सरसाइज का मतलब है टेक अ बेबी स्टेप, उठिए बाहर निकलिए, बस ये एक्सरसाइज है आपकी।
फिर 5 मिनट चलिए, ये है आपकी एक्सरसाइज। एक हफ्ते के बाद में 10 मिनट चलिए, एक रेगुलर हैबिट बनाइए, फिर 1 महीना जाके जिम ज्वाइन कीजिए, फिर आपको लगेगा कि यस आई कैन कंटिन्यू, फिर 1 साल की फीस भरिए। इसको बोलते हैं स्लो स्टेप्स में अपने गोल्स को सेट करना और अपने आप को मोटिवेटेड रखना। यानी दोस्तों जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपका हार्ट स्ट्रांग रहेगा, आप ज्यादा घंटों तक काम कर सकते हो, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी रहेगी, आपको अगर नुकसान भी होता है तो आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स है, आप बहुत अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो दोस्तों एक्सरसाइज ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है अपने आप को एक बिलियनर बनाने के लिए, कि अगर आपने इस बॉडी का टेक केयर करना शुरू किया तो डेफिनेटली आप अपने काम में और निपुण हो जाओगे, आप फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो यू कैन टेक गुड डिसीजन, आप फिजिकली फिट रहोगे, ज्यादा अपने काम में एक्टिव रहोगे, काम अच्छे तरीके से करोगे और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों दे मेडिटेट। हाँ दोस्तों मेडिटेशन इज अ पावर। मेडिटेशन जो इंसान करता है, शांत रहना, अपने दिमाग को शट डाउन करना, शांति से बैठे रहना, कोई भी चीज के बारे में सोचना, ये ताकत दोस्तों आपको मेडिटेशन से मिलती है। बहुत से लोग बोलते हैं मेडिटेशन करे कैसा, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पहले शांति से बैठना सीखो, जरूरी है कि आप आंख बंद करो, शांति से बैठो और अपने अंदर को ना कोई इनकमिंग थॉट आएगा ना कोई आउटगोइंग थॉट जाएगा। शांति से सोचो कि मुझे किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है, आई डोंट वांट टू थिंक एनीवन, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने बारे में सोचना है। यानी मैं अंदर जाऊंगा और मैं अपनी ताकत को समझने की कोशिश करूंगा, शून्य मुद्रा में बैठूंगा, यानी कोई थॉट मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यह है मेडिटेशन। अगर आपने मेडिटेट करना शुरू किया दोस्तों तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और कोई भी आप काम करोगे तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप जिंदगी में क्या हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो उनका पॉइंट है वो है दे स्टार्ट अर्ली। हाँ दोस्तों मैंने जितने भी बिलियनर्स देखा, मैंने देखा है कि वो अपनी जिंदगी में जो भी होता है वो सूरज को हराते हैं, यानी जब सूरज निकलता है उसके पहले वो उठ जाते हैं, अपने सारे काम करते हैं, अपने इंप्लॉइज से पहले वो अपने ऑफिस में चले जाते हैं, अपना काम करते हैं जितना जल्दी हो सके। दोस्तों अगर हम लॉजिकली कैलकुलेट करें तो एक बंदा 3 से 4 घंटे में अपने पूरे दिन का काम कर सकता है। अगर उसने अपने मोबाइल को साइड में रखा, उसने अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखा, तो 3 से 4 घंटे आर सफिशिएंट टू डू द वर्क। फिर उसके बाद में वो बाहर निकलते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, इसलिए वो स्टार्ट अर्ली करते हैं ताकि अपने काम को जल्दी कंप्लीट कर सके। और जब काम उनका जल्दी कंप्लीट होगा तो वो क्या करते हैं, दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये स्टार्ट अर्ली करने का फायदा है कि वो अपने एक नेटवर्क को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ दोस्तों वो जो अपना काम है वो अलग काम नहीं करते, उसी काम को करते हैं लेकिन अलग तरीके से करते हैं। हाँ दोस्तों कोई भी आपको सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं दिखेगा कि उसने कोई अलग काम किया इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ, वो अपने आप को उसी काम को अलग डिफरेंट भिन्न तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और जब वो भिन्न तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होता है, बहुत ही यूनिक होता है, उनकी क्रिएटिविटी डिफरेंट होती है, उनका जो क्रिएशन होता है वो बहुत ही अलग होता है और अपनी जिंदगी में क्या होते हैं, कामयाब होते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है दे डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। उनको नो सुनाई नहीं देता, उनके कान में नो जैसे शब्द ही नहीं। अगर कोई उनको नो बोलेगा तो इसका मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटी, वो उस नो को सुन ही नहीं सकते। क्योंकि क्या है दोस्तों, अगर आपने नो सुनना शुरू कर दिया तो हमारे अंदर नेगेटिविटी भरने लगेगी। जैसे बचपन से हम ज्यादा बार नो 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 सुनते आ रहे, मैं यहां जाऊं नहीं, वो करूं नहीं, यहां जाओ ये करो, ये लाओ नहीं नहीं, ये ना शब्द जो है ना ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा दोस्तों, कोई काम ना करने देने के लिए। इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये नो शब्द है ना इसको हटा दीजिए। कोई आपको नो बोले ना तो ये काम नहीं कर सकता, इसका मतलब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको और अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस नो शब्द को इतना सुनना ही नहीं है लोगों से। यानी अगर किसी ने आपको नो बोला तो आपको उधर ध्यान नहीं देना, जो आपकी गट फीलिंग बोलती है, और आपको उस काम को क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। दोस्तों ये जो 7 हैबिट्स है, अगर ये 7 हैबिट्स को आपने अपने लाइफ में इनकलकेट किया, अगर आपने लाइफ में उसको लाया, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप भी डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब आप अपना गोल सेट करोगे तो आप भी बिलियनर की लिस्ट में क्या हो जाओगे, शामिल हो जाओगे। दोस्तों मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपकी बारी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, मुझे इस वीडियो के लिए लाइक दीजिए और प्यार वैसे कमेंट दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
दुआ की दरखास्त। थैंक यू सो मच।